किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि आप खुद अपने पैरों में चप्पल पहन लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज निर्वी। की बड़ी छोटी सी कहानी है एक मिडिल क्लास परिवार की, जिनका सपना था कि उनके घर में एक दिन कार आ जाए। बच्चे पापा से जिद करते थे कि पापा बस कार खरीद लीजिए। पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, उतना पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे कि कार खरीद लें। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी, और पत्नी भी कहती थी कि बच्चों की जिद है तो कुछ ऐसा कीजिए कि सेविंग इकट्ठी कर लीजिए, लोगों से उधार ले लीजिए कि घर में कार आ जाए। और वो कहते थे कि मैं उधार नहीं लूंगा, पैसे जमा करूंगा फिर जाऊंगा खरीदने के लिए। बहुत मेहनत करने के बाद एक डाउन पेमेंट जितना जो है कि पैसा इकट्ठा हुआ, और उस व्यक्ति को लगा कि मेरे परिवार की सबसे बड़ी खुशी है कार, तो कार खरीद करके आएगी, तो चलते हैं कार खरीदने के लिए। पूरे परिवार को एक सरप्राइज दिया, कहा कि चलो आज फाइनली वो सपना पूरा करते हैं। कार के शोरूम में गए, जो कलर पसंद किया था बच्चों ने वही कार उन्होंने खरीद ली। कार खरीदने के बाद जब वहां से निकले तो पूरा परिवार उस कार में सवार हो गया। उनके वहां पर परंपरा थी कि जो मंदिर था शहर का सबसे बड़ा, वहां सबसे पहले कार को ले जाया जाता था। तो वो उस मंदिर की ओर जा रहे थे, शाम का समय था। अचानक से मौसम पलट गया, तेज बारिश होने लगी, आधी चलने लगी, और सड़क किनारे जहां पर एक चौराहा था, लाल बत्ती लगी हुई थी, वहीं पर वो खड़े हुए। और वहां पर एक बड़ा सा पेड़ आकर के इनकी कार पर गिरा, जो जोरदार धमाका हुआ। लोग दौड़े बचाने के लिए, चारों जो परिवार के सदस्य थे वो सुरक्षित थे, लेकिन कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी, तहस नहस हो गई थी। जितने लोग आसपास खड़े थे सब कहने लगे क्या कार खरीद ली, कितने खराब मुहूर्त में खरीद ली। और वो लोग कह रहे थे जो वहां पर खड़े थे, इन चारों लोगों को हल्की चोटें थी तो इनको ले जाया गया अस्पताल। अस्पताल में ठीक हुए। अब घर के बच्चों को लग रहा था कि पापा तो अब कार को बेच देंगे। वाइफ को भी लग रहा था कि इस मनहूस कार को तो रख करके भी क्या करेंगे, क्योंकि लेकिन जो कि कार का इंश्योरेंस था, सारी चीजें थी, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस कार को बेचूंगा नहीं, इस कार को ठीक करवाऊंगा, कंपनी में वापस भेजूंगा, रिपेयर करवाएगी कंपनी दोबारा। जब दोबारा गाड़ी जब उस व्यक्ति के पास आई तो फिर उस व्यक्ति ने कहा परिवार से कि आओ सारे बैठ करके फिर चलते हैं उस मंदिर की ओर, जहां पे सारे लोग कार खरीदने के पास जाते थे। अब घर वाले बड़े डरे हुए थे कि अब क्या होगा, फिर से उसी मनहूस कार में बैठ गए। लेकिन जैसा कि वहां पे परंपरा थी, उस मंदिर पे जाना है, उस मंदिर पर जा करके प्रणाम किया, प्रसाद बांटी, कॉलोनी में आकर के लोगों को मिठाइयां बांटी, और सब लोग कहने लगे कि भाई साहब आपने उसी गाड़ी को ठीक करवा लिया, आपको तो इस गाड़ी को बेच देना चाहिएगा, इतना बड़ा हादसा हो गया। तो उस व्यक्ति ने जो कहा वही इस कहानी का सार है। उसने कहा कि भाई साहब उस कार को कैसे बेच देता जिसने मेरे पूरे परिवार की रक्षा की। उस दिन हमारे पास सबसे बड़ी विपदा आई थी और उस कार ने हम सब की जान बचा ली। जो हमारी जान बचा चुकी है उसको मैं अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा। बहुत छोटी सी कहानी है जो बताती है कि जीवन में सारा खेल नजरिए का है। अगर आप सोचते रहें कि सब मनहूस हो रहा है, सब खराब हो रहा है, तो खराब ही होता चला जाएगा। और अगर आपने सोचना शुरू किया कि जो हुआ उसमें ऊपर वाले का प्लान है, हो सकता है, यानी कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जो आप सोचेंगे जैसा अट्रैक्ट करेंगे आपके साथ ऐसा ही होगा। आपको जिंदगी में आशा दिखने लगेगी अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आप अच्छा सोचते हैं, तो आपको लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि पॉजिटिव और पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, आप तक पहुंचने लगेगी। तो दोस्तों आज एक बार फिर से वही बात कहता हूं जो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ इसी तरीके की मोटिवेशनल कहानियां। आपको कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। और इस कहानी को मैं तो कभी कहता भी नहीं हूँ ज्यादा शेयर करने के लिए, इस कहानी को आपको शेयर भी करना है तो आप इसको शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।